spreads across the land. हेलो दोस्तों वेलकम टू साहबाटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजास फ्रेंड्स आप सबको कंग्रेचुलेशन अगेन मैं अपनी वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस में दोस्तों मैंने आपको मुबारकबाद दी है और वो डेवलपमेंट जो शिबा शेबाइनों के इकोसिस्टम में होती है उन्हीं की मुबारकबाद होती है तो एक और मुबारकबाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सतोशी कुसामा ने हमारे साथ क्या शेयर किया है एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू वर्क विद प्लेसाइड स्टूडियो प्लेसाइड इज वन ऑफ द बेस्टल इन दर्ल्डिबल गेम अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड जेनर एड इन विलियम वॉक जो कि इनके साथ काम करते हैं एंड चेस्ट किस विजिट प्लेसाइड स्टूडियोज डॉट कॉम टू सी देयर पोर्टफोलियोशिप तो दोस्तों अब इनका भी ऐलान हो चुका है अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन मतलब बंदा तो अनाउंस पहले भी हुआ था लेकिन अब स्टूडियो कौन सा है जो कि शिबाइनू की नॉट ओनली वन गेम यहां पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा क्लियर करता जाऊं चीज़ों को ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि क्या होने वाला है क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैं जो वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा शाम को वो होगी ही इसलिए कि शिबाइनो के पास 22 में 2022 में क्या क्या है हमें डिलीवर करने के लिए उसमें ये चीजें भी मतलब हैं ठीक है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर फ्रेंड्स ये एक नहीं लेकिन एक से ज्यादा गेम्स बनाएंगे बात जो कहने की है ना और जो मजे की है वो ये है कि एक नहीं एक से ज्यादा गेम्स बनेगी अब इनकी वेबसाइट भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा उसको भी थोड़ा बहुत जज करेंगे लेकिन यहां पर आप इन्हीं मतलब, का मतलब सैतोषी का एक पढ़ लें रिप्लाई वो क्या कह रहे हैं मतलब किसी ने सवाल किया है उसको इन्होंने जवाब दिया है तो इन्होंने कहा है कि यह मिलियन डॉलर गेम्स नॉट कम दैट क्विकली सॉरी तो अब ये बात चीज़ समझने की है दोस्तों कि मिलियन डॉलर गेम बन रही है अब फॉर एग्जांपल आप कोई दस पंद्रह हज़ार डॉलर देकर भी गेम बनवा सकते हैं कोई रेसिंग शेसिंग गेम किस्म की लेकिन यहां पर वी हो और मेटावर्स में भी एंट्री हो पाए एक नहीं एक से ज़्यादा गेम ये तो एक गेम मिलियन डॉलर्स की है अब यहां से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके ग्राफिक्स क्या होंगे इसका आइडिया क्या होगा इसकी स्टोरी क्या होगी इसके मतलब ग्राफिक्स हर चीज़ जो है ना वो क्या होने वाली है अब ये जितनी बड़ी गेम होगी उतना ही ज़्यादा स्पेस आएगा सो so, इसीलिए मैंने आपको कंग्रेचुलेट दोस्तों किया है यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट लोग जो है वो इसको शेयर कर रहे हैं और ये इनकी है यहां पर मैं इनकी वेबसाइट पर भी आपको लेकर जाता हूं अब चलते हैं दोस्तों इनकी वेबसाइट पर यहां पर जरा आप चेक कर ले प्ले साइड का ये स्टूडियो है टॉप पर ये चल रहा है इससे पहले आप मतलब इन्हीं की इसका आप, आप जो है ना वो ट्रेलर थोड़ा देख चुके हैं नीचे आप अगर देखें तो फीचर्ड गेम में आप देख सकते हैं यहां पर है सेंट्स एंड सिनर्स ठीक एक ये गेम है उसके पास जुमान जी भी यहां पर आपको मिल जाएगा और ये है उसके बाद न्यूज आई हुई है न्यूज में क्या है न्यूज में आप देख सकते हैं प्ले साइड शिब मतलब ये इनकी गेम बन रही है ये न्यूज है ये इनके साथ सिग्नेचर हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं प्ले साइड एक्सपेन्स विद द न्यूज स्टूडियो ऑन क्वीन लैंड गॉड कॉस्ट उसके बाद ये डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर हमारा शिब मौजूद है और ये इनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट यही आपको मिल जाती है मतलब जुमान जी आप सब ने फिल्म देखी होगी मूवी देखी होगी बैटमैन आपने देखी होगी तो ये इस इस तरह के डेवलपर हैं अब आप खुद अंदाजा लगाएं जो शिबाइनु की गेम आने वाली है जिसको हम मिलियन डॉलर गेम कह रहे हैं मिलियन डॉलर मतलब ये दस बारह लाख डॉलर से ज्यादा यहां पर पैसे लगने 30-40 लाख डॉलर में एक गेम बन रही है तो जाहिर सी बात है उसी तरह की गेम होगी लेकिन दोस्तों आप इनके वर्क को देखने के लिए जरूरी है कि फॉर एग्जांपल यहां पर मोबाइल पर क्लिक कर दें देखिये हमें क्या मिलता है ये देखिए मोबाइल गेम्स आपके लिए मतलब यहां पर कितनी सारी हैं तो एक्सपीरियंस को भी चेक किया जाता है पीसी वी के लिए यहां पर चेक करते हैं और ये आपको मिल जाती है पीसी और वी के लिए मतलब वी वर्चुअल रियलिटी में भी आप इसको देख सकते हैं फिर कैरियर है कॉन्टेक्ट सपोर्ट है इन्वेस्टर सेंटर्स है अब आते हैं मेन चीज पर वो

contract with shiba inu games a derivative entity formed for the globally recognized ethereum based token and decentralized cryptocurrency shiba inu one point the second point the strategic agreement with the shiba is a fixed price milestone based फिक्स प्राइस मतलब प्राइस फिक्स हो चुकी है कि भाई शिबा की टीम जो है वो इनको इतने पैसे देगी और ये गेम बना कर देंगे अब गेम का आइडिया क्या होगा विलियम वॉक उसको अलग से हायर किया गया है ये मतलब ट्रिपल ए स्टूडियो अलग है दोस्तों विलियम वॉक अलग है अब विलियम वॉक और ट्रिपल ए स्टूडियो मिलकर ये काम करेंगे वहां से क्या आता है विलियम वॉक की तरफ से वो अलग से चीज होगी आइडियाज आएंगे और ये मतलब गेम एक डेवलप करके देंगे वी आल होप्स हो कि ये इस तरह की गेम हो जिसको हम वर्ल्ड क्लास गेम कह सकें जितने ज्यादा उसके प्लेयर्स होंगे जितनी ज्यादा वहां

एक माइल रखा है कि फोर थाउजेंड लाइक्स वीडियोज पर आने चाहिए यार दूसरी बात दोस्तों यह है कि ये आप देख सकते हैं अभी तक भी फिफ्टी वन पर नॉट सब्सक्राइब है ना मतलब मैं इसको चाहता हूं कि ये हंड्रेड परसेंट हो जाए आप मुझे बस हेल्प करें कि हंड्रेड परसेंट सब्सक्राइब मेरे जो भी व्यूअर हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें मुझे बड़ी खुशी होगी मेरा चैनल ग्रो करेगा आप ग्रो करेंगे शिबा शिबाइनू ग्रो करेगा बस मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं भाई आपने पैसे तो खर्च करने नहीं है ठीक है सिर्फ इतना ही करना है यार मैं मतलब दिन रात मेहनत करता हूं मुझे आप उसका रिवार्ड सिर्फ वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूं वेल well, अब आते थर्ड पॉइंट पर द डेवलपमेंट टर्म विल बी एट मंथ्स तो ये चीज से क्लियर हो गई कि अगले महीनों में हमें गेम जो है वो मिलेगी। अगले उसके बाद जो है वो तकरीबन इसको डेढ़ साल हो चुका है आठ महीने के बाद ये गेम हमारे सामने आएगी इसका मतलब ये होगा कि 2022 के अगस्त में गेम रिलीज हो जाएगी जस्ट वो बर्थडे होगा शिबा

एज वी कंटिन्यू टू ग्रो आवर businesses, तो ये बात दोस्तों समझने की है कि वो खुद चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम ऐसा काम करके दें ताकि क्योंकि क्रिप्टो स्पेस एक अलग मतलब चलने वाली चीज है ठीक है अगर ये एक वर्ल्ड क्लास गेम बनाकर मतलब उनका कहना ये है हम ऐसी गेम बनाकर देते हैं तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी बहुत सारे अपकमिंग जो projects हैं क्रिप्टो करेंसी के वो हमें कहेंगे कि भाई हमारे साथ आप काम करो ठीक है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इनके लिए मौजूद है समरी क्या है थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट

अगर नहीं आती तो मैं थोड़ा ओवरव्यू में आपको समझा दूंगा द डेवलपमेंट ऑफ द गेम विल ड्रॉ फ्रॉम द आर्ट ऑफ द शिबा दिबा टोकन शिबोशी एन एफ टी एंड फ्यूचर कार्ड कलेक्शन स्ट्रेटजी एंड बेटल द मल्टीप्लेयर कलेक्टेबल कार्ड गेम सी सी जी इज प्लान टू बी डिप्लॉयड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म विद अ पोज लॉन्च डेट इन क्वार्टर वन एफ वाई ट्वेंटी थ्री तो भाई बात यह है कि ये सारी चीजें इसमें होगी ये क्या करने वाले यहां पर आप समझ सकते हैं अंडर द एग्रीमेंट प्ले साइड विल प्रोवाइड प्रोडक्शन डिजाइन इंजीनियरिंग आर्ट यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस ठीक है स्टोरी लाइन शायद विलियम वॉक लिखें और या फिर यह है कि लीड करेंगे मतलब ये, ये, ये इनकी टीम काम कर रही होगी और विलियम वॉक इसको चेक कर रहे होंगे देख रहे होंगे वो ही इज द मेन हु इज गोइंग टू लीड ऑल ऑफ दिस प्रोजेक्ट ठीक है दिस इज

and देट आर शिपिंग द फ्यूचर ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्री विद बूमिंग ग्लोबल ट्रेंड सच इज द मेटवर्स एंड द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इक्लूडिंग क्रिप्टोकरेंसी नॉन फंडेबल टोकन एन एफ्टी एंड ब्लॉक चेन गेमिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इज गेम कंटिन्यू टू इमर्ज द कंटिन्यूअस रेपिड एवोल्यूशन रिजल्टिंग इन फ्यू बिजनेसिस विद इन द इंडस्ट्री इंक्रीज इज द डिमांड फॉर गेम प्रोवाइड सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्ले साइड तो यह नई टेक्नोलॉजी जो है उसको नजर में रखकर गेम बनाई जा रही है

अगर ये सब कुछ फाइव टू टेन इयर्स में होना है तो एट मंथ्स में हमें गेम मिल जाएगी नेक्स्ट एट तो एट मंथ्स में ब्लॉकचेन पर आ जाए ठीक है क्योंकि ब्लॉकचेन मेरा ख्याल है कि गेम से पहले हमें मिल जाएगी सो अल सिंह यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्रिस निकोली और फिर गेरी सैकास इनो इन मतलब इनकी भी यहां पर सिग्नेचर्स आपको मिल जाती हैं अबाउट शिबा लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें अब पढ़ने की जरूरत नहीं है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दिस इज वाई आई एम वेरी बुलिश अबाउट शिबा इनू मैं हमेशा कहता हूं कि ये इको जो है वो दुनिया को हिला के रख देने वाला इको है वही हैव टू वेट एंड होल्ड अवर टोकन के हम जो है वो एक अच्छी प्राइस यहाँ से बना सकें नॉट ओनली फॉर देट के हमारे जो हमारी जो जेबें हैं वो भरें लेकिन फॉर द पर्पज दैट हमें दोस्तों इस इकोसिस्टम को कामयाब बनाना है ताकि हम जब यहाँ से प्रॉफिट निकालें तो उसके बाद भी जो यहां पर अपने टोकन हम रखे वो भी हमें फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स प्रॉफिट दें फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी पड़े हुए वो मैं दो uh, हजार में अगर उनसे एक प्रॉफिट निकालता हूं ठीक है रीजनेबल प्रॉफिट निकालता हूं तो भी पीछे मेरे इतने टोकन हो कि जो मुझे फिर 2030 में उससे भी ज्यादा प्रॉफिट दें ये सारी चीजें जो है यहां पर पॉसिबल हैं अब क्रिप्टो स्पेस में मतलब क्रिटिसिज्म बहुत होता है बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें करते रहते हैं लेकिन एक्चुअली बात क्या है बात दोस्तों यह है कि वो प्रोजेक्ट जो काम करते रहते हैं वो अपनी वैल्यू जरूर बनाते हैं ये वजह ही कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो डंप नहीं हो जाता ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए शिबाह यहां से यहां तक पहुंचा है तो उसके पीछे कुछ रीजन जरूर है आई होप सो दोस्तों ये न्यूज़ आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक वीडियो जो है वो लाइक भी जरूर कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा छोटा सा कमेंट भी आपने जरूर कर दिया होगा और अपने भाई से आप जरूर प्यार करते ही हैं सो टेक केयर अल्लाह हाफिज